इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पास गुरुग्राम से। गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक लाख के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ सुबह करीब 4:30 बजे अरावली की पहाड़ियों में हुई और इस दौरान गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 40 गोलियां चली हैं। घायल बदमाशों पर एक पीजी संचालक की हत्या का आरोप भी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, और क्या जानकारी? देखिए, इन दोनों बदमाशों का नाम है जोंटू और मनीष। दोनों पर दर्जन भर आपराधिक केस दर्ज था। सुबह तड़के 4:30 बजे क्राइम ब्रांच गुरुग्राम पुलिस क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि दोनों बदमाश जो हैं अरावली के पहाड़ियों में इस वक्त हैं और घाटा गांव के पास जो अरावली की पहाड़ियां थी वहां पर थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद बदमाशों की तरफ से सबसे पहले फायरिंग की गई। बदमाशों और पुलिस के बीच तकरीबन 40 राउंड की फायरिंग हुई है। में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जबकि दोनों जो बदमाश हैं वो उन्हें गोली लगी है और उनका जो इलाज है इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। और दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम था, तो गुरुग्राम पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी शुक्रिया अमित। पंजाब कांग्रेस